नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। विनाईएस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स में जितनी इम्पॉर्टेंट है उतनी ही इम्पॉर्टेंट ये एमपीपीएससी मेंस में भी है। और यदि नए सिलेबस की बात करें तो ये हमारे पेपर 3 के 5th यूनिट में डिटेल में कवर की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर की डेफिनेशन की। अ कंप्यूटर इज़ बेसिकली एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन टेक रॉ डेटा एज इनपुट, प्रोसेस दिस डेटा एंड गिव्स अस द आउटपुट इन डिजायर्ड फॉर्मेट। मतलब हमारा कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो रॉ डेटा को एज अ इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट हमको डिजायर्ड फॉर्मेट में देता है। अब रॉ डेटा का मतलब क्या होता है? ऐसा डेटा जो अभी हमारे किसी काम का नहीं है उसको हम रॉ डेटा बोलते हैं, और अल्टीमेटली प्रोसेस होने के बाद वो डेटा हमारे लिए यूजफुल रहता है। ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझें तो कंप्यूटर जब हमारे रॉ डेटा को प्रोसेस करता है तो इनिशियली वो डेटा को इनपुट डिवाइसेस के थ्रू कैप्चर करता है, उसको प्रोसेस करता है विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेसर, और प्रोसेस करते टाइम जो इंटरमीडिएट हमारे आउटपुट्स आते हैं उनको स्टोर करने के लिए उसे मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। फाइनल आउटपुट आता है उसको भी स्टोर करता है मेमोरी में और उसके बाद उसको डिस्प्ले करता है यूज़र को। मेमोरी क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, ये भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। यदि बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो यहाँ पे कुछ मेजर कंपोनेंट्स हैं जैसे इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। स्टोरेज यूनिट की यदि हम बात करें, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड बिट। जो सबसे छोटा डेटा है जिसको हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं उसको हम बिट बोलते हैं, और जो हमारा डेटा है वो बिट्स के फॉर्मेट में ही रिप्रेजेंट होता है मेमोरी में। और बिट को ही हम बोलते हैं कि ये हमारा एक डिजिटल सिग्नल है जो 0 और 1 के फॉर्म में रहता है, और कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स को ही हम बोलते हैं बाइट। 1 byte इज इक्वल्स टू 8 byte, और जो आपका डेटा है वो कलेक्शन ऑफ बाइट्स के फॉर्म में रहता है मेमोरी में। अब यदि हम मेमोरी की बात करें तो मेमोरी की ज़रूरत हमको इसलिए पड़ती है कि जो भी हमारा जो डेटा ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं अल्टीमेटली हमको उसको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, जो हमारे प्रोग्राम्स हैं वो भी कहीं ना कहीं स्टोर रहेंगे, तो उनके लिए हमको मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। हमारी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको भी हम स्टोर करके रखते हैं। तो मेमोरी की यदि कैटेगराइजेशन की बात करें तो हमारी मेमोरी को 2 category में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी मेमोरी, सेकेंड वन इज़ सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी को हम बोलते हैं मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स दोज डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस ऑन विच द कंप्यूटर इज करेंटली वर्किंग। मतलब प्राइमरी मेमोरी ऐसे डेटा और इंस्ट्रक्शंस को कैरी करके रखती है जब हम कंप्यूटर में वर्क कर रहे हैं और करेंटली उनको हम परफॉर्म कर रहे हैं। कंप्यूटर हमारा स्टार्ट है और हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं तो उनके लिए जो इंस्ट्रक्शंस और डेटा की ज़रूरत पड़ेगी वो हमारे मेन मेमोरी में स्टोर रहते हैं, जिसका एग्जांपल है रैम, रोम। सेकेंडरी मेमोरी की यदि हम बात करें तो दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर डेटा परमानेंटली। यदि मुझे अपनी कुछ फाइल्स हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसको परमानेंटली स्टोर करना है तो उसको हम स्टोर करते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। ये मेमोरी हमारी नॉन वोलेटाइल होती है, मतलब यदि हमने पावर ऑफ भी कर दिया तो भी हमारा डेटा इसमें स्टोर रहेगा। इसका एग्जाम्पल है हार्ड डिस्क, DVD एक्सेट्रा। और यदि हम रैम की बात करें तो रैम वोलेटाइल मेमोरी है, यदि आपने इसमें पावर ऑफ कर दिया तो आपका सारा डेटा लॉस्ट हो जाएगा। इनके एडवांटेजेस की यदि बात करें तो मेन मेमोरी के एडवांटेज ये है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग ही ऐसी होती है कि हम इसमें से डेटा फास्ट रिट्रीव कर सकते हैं, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में हमको रिट्रीव करने में डेटा में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे हम हार्ड डिस्क की बात करें तो हार्ड डिस्क एक हमारा मैकेनिकल डिवाइस है जिसमें कुछ मोटर्स और स्पिंडल्स रहते हैं, तो उसके थ्रू हमको डेटा को रिट्रीव करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। यदि हम कंप्यूटर में मेमोरी को फिर से क्लासीफाई करें इस फ्लो चार्ट के थ्रू तो 2 category में कैटेगराइज किया, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हमने कैटेगराइज किया रैम, रोम। रैम को कैटेगराइज किया स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। रोम को कैटेगराइज किया प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एंड EEPROM। सेकेंडरी मेमोरी की यदि बात करें तो हार्ड डिस्क, SSD, कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप एक्सेट्रा। यदि आपसे कोई कहे कि रैम को हम रैंडम एक्सेस ही क्यों बोलते हैं, तो रैंडम एक्सेस इसलिए बोलते हैं कि यदि आपके रैम में मल्टीपल एड्रेसेस हैं लाइक 0 से लेके 1024 तक और आपको 667 एड्रेस पे पहुंचना है, तो उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप 0 से लेके 666 एड्रेस तक पहले जाएं उसके बाद 667 पे पहुंचे, आप डायरेक्ट 667 पे पहुंच सकते हैं। बट यदि आप हार्ड डिस्क की बात करें तो वहाँ सिक्वेंशियल एक्सेस रहता है, वहाँ हम इस टाइप से परफॉर्म नहीं कर सकते, इसलिए हार्ड डिस्क में डेटा रिट्रीव करने में थोड़ा टाइम भी लग जाता है। अब हमारे कुछ टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट हैं जो हम अगले लेक्चर सीरीज़ में उसको कैरी करेंगे, जैसे असेंबलर्स क्या होते हैं, कंपाइलर्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, हार्डवेयर्स क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं। इन टॉपिक्स को हम आने वाले वीडियोज़ में कवर करेंगे।
सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू। और आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमारे विन आईएएस के इन फोन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।